हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 3। दिस इज वीना मैम एंड दिस इज आवर इंग्लिश पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 8 एंड द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज द नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी नहीं खत्म होने वाली कहानी। अब ऐसी कोई कहानी है, कभी सुनी है आपने? हैव यू हर्ड एनी स्टोरी विच हैज नो एंड? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इन दिस चैप्टर we have to see what are the story which has no end. So here we start. 1, 2, 3 and go. Emperor Akbar was a wise ruler. He was called Akbar the Great. जो अकबर था ना, राजा अकबर, एम्परर का मतलब सम्राट। सम्राट अकबर एक बहुत बुद्धिमान शासक था। हम उनको क्या कहते हैं? अकबर महान कहते हैं, अकबर द ग्रेट। द पीपल ऑफ हिज किंगडम थॉट ही वॉज अ ग्रेट किंग। उनके राज्य के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि वो एक बहुत महान राजा है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड टॉक अबाउट व्हाई द किंग वॉज लाइक बाय द पीपल। पिक्चर में देख के हमको ये बताना है कि वो राजा जो था उसको लोग पसंद क्यों करते थे। कौन सा राजा? अकबर द ग्रेट। ओके, नाउ सी पिक्चर्स। One person is saying, the emperor loves a good joke. राजा को अच्छे जोक सुनना पसंद है. Okay? And he is good at solving riddles. वो उसको पहेलियां सुलझाना बहुत अच्छा लगता है. पहेलियां सुलझाने में वो बहुत अच्छा है. यानी फटाफट से riddles को सॉल्व कर लेता है. एक और person कहता है, he loves music. He listen to Tansen sing every evening. उसे music बहुत पसंद है और हर शाम को, रोजाना शाम को वो तानसेन से संगीत सुनता है। ही लाइक्स हॉर्स राइडिंग। उसे हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है। अब वन ओल्ड मैन इज ऑल्सो सेइंग ही हैज रेस्पेक्ट फॉर लर्न्ड मैन। और जो समझदार लोग हैं, शिक्षाविद हैं, जिनको नॉलेज है, उनका भी वो क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। सो पर्सन, इफ अ किंग हैज सो मैनी क्वालिटीज देन नेचुरली ही इज रेस्पेक्टेबल। सम्मान के योग्य है वो। अब देखो क्या होता है आगे। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट अकबर एंड बीरबल। हेयर इज वन ऑफ देम। अकबर बीरबल की हमने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी हैं, सुनी हैं। अब उनमें से एक स्टोरी यहाँ पर है, देखिए। वंस अकबर फेल इल। एक बार अकबर बीमार हो गए। हिज हाकिम्स गेव हिम मेडिसिन। उनके जो हाकिम थे, हाकिम यानी डॉक्टर, वैद्य। अब उस टाइम पे उनको डॉक्टर नहीं कहते थे, उनको वैद्य कहते थे, हाकिम कहते थे। दे आस्क्ड हिम टू रेस्ट। उनके जो हाकिम थे उन्होंने उसको मेडिसिन दी और उनसे रेस्ट करने के लिए बोला। अकबर डिड नॉट माइंड टेकिंग बिटर मेडिसिन बट ही डिड नॉट लाइक टू लाई इन बेड। अब अकबर को कड़वी दवाएँ लेने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसको बेड पर लेटे रहना पसंद नहीं था। अकबर सैड। अकबर ने कहा, आई हैव नथिंग टू डू, द हाकिम्स डोंट लेट एनी वन इन, आई एम बोर्ड। अकबर ने कहा कि मेरे पास तो करने को कुछ है ही नहीं, अब हाकिम को कोई भी अंदर नहीं आने देगा और क्योंकि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। अकबर वॉज सो अनहैप्पी दैट ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट। अब अकबर इतना परेशान था कि वो रात को सो भी नहीं सका। दिस वरीड द हाकिम्स। अब इस बात से हाकिम परेशान हो गए। वन ऑफ देम केम अप विद एन आइडिया। उनमें से एक अपना विचार लेकर आता है। समवन शुड टेल द एम्परर अ स्टोरी एवरी नाइट। उसने कहा कि हर कोई, हम में से हर कोई रात को एक कहानी राजा को सुनाएगा, यानी डेली एक पर्सन राजा को एक कहानी सुनाएगा। दैट वुड कीप हिम चीयरफुल। इससे राजा खुश रहेंगे एंड हेल्प हिम फॉल एस्लिप, और उनको नींद आ जाएगी। द प्लान स्टार्टेड। अब योजना शुरू हो गई। कौन सी योजना? स्टोरी सुनाने की। बट सून इट बिकम अ प्रॉब्लम। लेकिन जल्दी ही ये तो परेशानी बन गई। अकबर एंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरीज बट गॉट अपसेट व्हेन द स्टोरी एंडेड। अकबर को स्टोरी सुनने में मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन जब स्टोरी खत्म हो जाती थी तो वो बहुत परेशान हो जाता था। व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? टेल मी, मुझे बताओ।
अकबर वुड आस्क एंग्रीली एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी। हर कहानी के अंत में जब कहानी खत्म होती थी तो हर कहानी के अंत में अकबर यही कहता था, अच्छा आगे क्या हुआ जल्दी से मुझे बताओ, और वो गुस्सा हो जाता था। द स्टोरी हैज एंडेड ओ किंग, देयर इज नथिंग मोर, द स्टोरी टेलर वुड से। अब जो कहानीकार होता था, कहानी कहने वाला, वो कहता था कि मेरे राजा कहानी तो खत्म हो गई है, आगे कुछ भी नहीं है। सो सून अकबर वुड आस्क इवन मोर एंग्रीली, तब अकबर और गुस्से से कहता, इतनी जल्दी खत्म हो गई, टेल मी मोर, मुझे और कहानी सुनाओ, अदरवाइज आई विल गेट बोर्ड अगेन, आई कांट स्लिप इफ आई एम बोर्ड, और यदि नहीं सुनाओगे तो मैं फिर से बोर हो जाऊंगा, और जब यदि मैं बोर हो गया तो मैं सो नहीं पाऊंगा। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल टू टेल हिम स्टोरीज, अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो गई कि राजा को कितनी कहानियाँ सुनाएंगे, रोजाना ये कहानी सुनाने की बात थी ना, अब कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी, राजा सोएगा नहीं तो और कहानियाँ सुनेगा। नो वन न्यू अ स्टोरी दैट वुड नॉट फिनिश, अब कोई भी ऐसी कहानी नहीं जानता था जो कभी ख़त्म ही ना हो। एंड नो वन वॉन्टेड टू फेस एन एंग्री एम्परर, और कोई भी राजा के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था। अब आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन रीड द चैप्टर, रीड द स्टोरी। Bye.